Assalamualaikum viewers, welcome to my PUBG Vision channel. तो यार कैसे हो यार, इस वाली वीडियो में विजन भाई आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेके आया है, जो कि बहुत अच्छा ट्रिक है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो अगर आप लोगों का इस वीडियो पर प्यार अच्छा आया, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला, तो मैं नेक्स्ट भी इसी तरह ट्रिक लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो बस आप लोग इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में क्या ट्रिक आने वाला है। आप लोगों ने इस वीडियो को मिस नहीं करना, वरना आप उसी ट्रिक को अच्छी तरह फॉलो नहीं कर पाओगे। और जहाँ पे मैं जाता हूँ आप लोगों ने बिल्कुल वीडियो में उसी तरह से जाना है। तो बहुत से लोग इस वेयर हाउस से बाहर नहीं जा सकते, तो बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोगों ने सीखा है और बहुत से लोगों ने नहीं सीखा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने व्यूअर्स के लिए ऐसी वीडियो लाऊं जिससे ये वेयर हाउस से बाहर जा सके और वो बहुत अच्छी किल कर पा सके और अपना रैंक भी टीम विजिट टीम वाइज इंक्रीज कर ले। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सी बात है और बहुत अच्छा ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अगर इस वीडियो पर लाइक ज़्यादा आए, तकरीबन 5000 लाइक्स अगर आ गए, तो मैं इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी बना दूंगा और उसमें नया कुछ लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो बस आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और प्लीज़ जो भी नए यूज़र हैं उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो व्यूअर्स, जब आप लोगों का गेम स्टार्ट हो जाए वेयर हाउस में, तो आप लोगों ने इस साइड पे अगर आप लोगों का मैच स्टार्ट हो जाए तो फिर अच्छा है, ठीक है, नहीं तो बार आप बार बार प्ले कर लो, ये साइड आ जाएगा। अब आप लोगों ने स्नाइपर उठा देना है, ठीक है। स्नाइपर उठाने के बाद आप लोगों ने एक एम भी उठाना है, ज़रूरी नहीं आप जो गन उठाना चाहते हो, लेकिन मैं स्नाइपर और एक एम को मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैं उठा रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोगों ने जाना है और यहाँ ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं जहाँ पे पंच मार रहा हूँ और फिर प्रोन कर रहा हूँ। प्रोन का मतलब आप लोगों ने लेटना है, पंच मारना है और लेटना है। ये देखो मैं बाहर आ गया, तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, बस पंच मार देना है और फिर प्रोन होना है, पंच मारना है और फिर प्रोन होना है। तो इसी तरह आप लोगों तकरीबन आप लोगों से 15 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे तो आप लोग बाहर आ जाओगे। और इसी तरह जब आप बाहर आ जाओगे तो सीधा आओगे, जैसा कि मैं जा रहा हूँ, सीधा जाओगे तो भाई लोग ये आपके मुखालिफ टीम वाले या आपके अपने टीम वाले जो होते हैं वो ये सोचेंगे कि ये तो हैकर है, लेकिन आप तो हैकर है नहीं, लेकिन आपने तो अपना ट्रिक अप्लाई किया है। तो ये आप लोग मेरे टीम वाइज का जो इंट्रोडक्शन है, सॉरी कन्वर्सेशन है, वो भी सुन रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं कि ये तो हैकर है। आई थिंक मेरे ख्याल में वो इसी तरह बिहेव कर रहे। तो यहाँ पे आप लोगों ने चढ़ देना है यहाँ पे, हाँ ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर जाओगे और वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हो बिल्डिंग के ऊपर गया, जहाँ पे हम रिबेन होते हैं वहाँ पे आप लोगों ने उतर के जाना है और यहाँ स्नाइपर को यूज़ कर लेना है। और जैसे ही एनिमी मिले आपने स्नाइपर से उसे मार दें। तो आप एक मिनट के लिए आप लोगों को मैं नज़ारा दिखा दूं कि किस तरह नज़ारा है। तो यहाँ से बहुत इजीली आप लोग किल कर सकते हो और बहुत ज़्यादा किल कर सकते हो। तो ये आप दो ये आप लोग देख सकते हो। और अभी कोई एनिमी मिले ताकि मैं भी एक स्नाइपिंग कर लूं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के दौरान मेरा जो वीडियो है, सॉरी मेरा गेम है, वो लेग कर रहा है। तो ये अभी मुझे एनिमी मिला लेकिन ये भी भाग रहा है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या कर लेना है कि आप लोगों ने पिक का ऑप्शन
यूज कर लेना है, फिर आप लोग अच्छी तरह स्नाइपिंग कर पाओगे। तो भाई लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 5000 लाइक्स चाहिए, फिर इसका दूसरा हिस्सा भी मैं लाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हो एक किल कर दिया, तो जस्ट इजी है। आप लोगों ने जब आप लोग इस साइड पे आप लोगों का गेम स्टार्ट हो जाता है तो बस आप लोगों ने पंच मार देना है, जहां से मैंने मार दिए पंच मारना है और फिर प्रोन होना है, पंच मारना है और फिर प्रोन होना है। तो ये मैं दूसरे मैच में आ गया हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, और यहाँ से मैं बहुत अच्छी तरह से स्नाइपिंग कर रहा हूँ। थोड़ी स्नाइपिंग मेरी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ये आप लोग देख सकते हो। और एक बार जब आप इस किसी बंदे को मार देते हो तो आप लोग थोड़ा ध्यान कर लो, ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि वो उसने आप लोगों को देख लिया होता है, ठीक है। तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो फिर भी आप लोगों को मारने के लिए आता है और ये सोचता है कि ये कहाँ से फिर ऊपर चढ़ गया है। तो मैं बाहर हूँ, बाकी सब वेयर हाउस में है, मैं बिल्डिंग के छत पर हूँ और ये अभी देख सकते हो ये मुझे मार रहा है। तो ये मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए खुदा हाफिज़।